बॉडी स्कल्पटिंग विच इज नोन एज वेट लॉस भी वेट गेन भी। हम हमेशा वेट लॉस पर ही कंसंट्रेट करते हैं, बट वेट गेन आल्सो अगर किसी को चाहिए। ओके, वेट लॉस कैसे हो सकता है? सो इंच टेप चाहिए होगा क्लास में, ठीक है, एंड और क्या चाहिए? नोटबुक, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन में भी एक बार चढ़ना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इन द क्लास, वी नीड टू वेट आवरसेल्फ। ठीक है, इसमें क्या क्या करेंगे हम? सेम स्कैनिंग तो सभी में आएगा, ठीक है। स्कैनिंग के बाद हाउ टू रिमूव द फैट, स्पेशली जैसे डिलीवरी के बाद या कोई ऑपरेशन के बाद, या भाई यू नो ओवर ईटिंग, जब एंजाइटी होती है तो ओवर ईट करते हैं, मेजरली लोग ओवर ईट करते हैं, स्पेशली एंड अप ईटिंग मोर स्वीट्स, मोर चॉकलेट्स, बिकॉज वो उस क्रेविंग को वो सिग्नल दे देता है ब्रेन में। अच्छा, इसमें हम ग्लैंड में भी काम करेंगे, वो मैं आती हूँ। सो रिमूविंग फैट थ्रू कलर्स, ठीक है, देन इंटरनल ऑर्गन्स को क्लेंस करना। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाता है हमारा? लंग्स, किडनी, लिवर। ये तीन चीज ऐसी है जो बॉडी प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्स, डिटॉक्स ड्रिंक पियो, डिटॉक्स ड्रिंक पियो सब बोलते हैं ना, जितने भी आप सात्विक मोमेंट में जाओ या पतंजलि में जाओ या कहीं पर भी जाओ, वेलनेस ट्रीटमेंट। डिटॉक्स क्या होता है? आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालो, ग्रीन कलर का जो जूस पिलाते हैं, तो वो हम यहीं पे करेंगे थ्रू एनर्जी, जिससे वेट लॉस हो। स्टमक की बात हम सुनेंगे कि भाई स्टमक को चाहिए क्या, क्यों इतना खाना मांग रहा है वो, अगर वो गैस भी क्रिएट कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। मतलब स्टमक के बारे में हम यहाँ पे पूरा जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि स्टमक बहुत बड़ी क्रेविंग एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हम मुंह में ठूसते रहते हैं, है ना। क्लीनिंग थ्रोट, थ्रोट चक्र, जैसे वो थाइमस थायराइड हो जाता है, तो या तो कम वेट लॉस करते हो या वेट गेन करते हो, क्यों? क्योंकि थ्रोट चक्र में जो ग्लैंड है वो यही तो काम कर रहा है ना, वेट को कंट्रोल करना है, बढ़ाना, जो टी सेल्स बनाते हैं उसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। फिर वर्किंग ऑन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये दोनों ऐसे ग्लैंड है जिनको हमें अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि हम उनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि वो हमें बोलते रहते हैं तुम आज बर्गर खा लो, तुम आज पिज्जा खा लो, तुम आज गोलगप्पे खा लो, तुम ये खा लो। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं खाओ, बट ये है कि हर रोज एक पैटर्न बन जाता है। जैसे बच्चे लोगों को क्या है, शाम को डिनर होते ही कुछ ना कुछ बाहर जाके खाना है, ये बच्चों का जैसे फ्रेंड्स लोग मिलते हैं तो बाहर ही खाना है, तो उससे क्या होता है, फैट सेल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जमा होता रहता है अननोइंगली, बट दिस इज इमोशनल प्रॉब्लम। आपका पेट नहीं मांग रहा है, आपका इमोशन मांग रहा है, क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कमांड देता है हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस हमें कंट्रोल करता है कि जाओ जाके खाओ, तो उसको हम ऑर्डर देंगे। शेपिंग एंड स्कल्पिंग द बॉडी, मतलब एक क्या बोलते हैं, क्या होता है, 36 24 36, व्हाट इज द मेजरमेंट? सो दैट इज द बॉडी स्कल्पिंग व्हिच वी विल डू, बट इतना कम नहीं होगा, इतना भी मत ऊपर उठना कि बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, आई कैन गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स, ओके।